आरबीआई वित्तीय फ्रॉड से बचने के लिए 13 से 17 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है। शिमला के रिज मैदान पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बागवानी व राजस्व मंत्री जगत नेगी शामिल हुए। जागरूकता अभियान में स्कूल के बच्चों व लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया कि किस तरह से फ्रॉड से बचना है और अपनी बैंक डिटेल किसी से शेयर नहीं करनी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कई बार व्यक्ति लालच में आकर अपनी बैंक डिटेल व अन्य जानकारियां इस प्रकार की वित्तीय ठगी करने वालों के साथ साझा कर देते हैं, जिससे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इस तरह के कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सोशल मीडिया नेट बैंकिंग के द्वारा काफी लोग ठगे जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग किसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार ना हो, इसके लिए आरबीआई पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। आरबीआई द्वारा जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर घंटे कोई ना कोई जो है ठगा जा रहा है, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है लालच का, और जो है इसी लालच के कारण जो है हमें जो है आए दिन सोशल मीडिया में नेट बैंकिंग में जो है काफ़ी लोग ठगे जा रहे हैं। तो उसको भी बचाना है, सभी को ये बताना है कि किस तरह से आरबीआई समय समय पर बताते हैं ये विज्ञापनों के माध्यम से कि अपना जो है नंबर किसी को ना दें, और साथ में किस तरह से आपको वित्तीय प्रबंधन करना है, किस तरह से अपने जो है पैसे को बचाना है, किस तरह से ऋण लेना है, ये बहुत सारी बातें जो है इन्होंने जो है इस साक्षरता जो अभियान जो चलाया है उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये सही बात है कि ये जो फ्रॉड जो है आज नीचे तक जहां दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच गया है, तो उसके लिए आरबीआई ने ये अभी मुझे भी ये जानकारी दी है कि ये पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी ये जो है साक्षरता का जो अभियान है उनके साथ भी मिलकर चलाएंगे, और जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जैसे नाटक जो चला रहे हैं ये दूर दराज के इलाके तक भी पहुंचे तो लोगों तक ये बात पहुंच सकती है। अभी 14 को जो मीटिंग रखी है उसमें हमारे अधिकारी और बागवान जो है मिलकर जो है एक विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक मीटिंग और रखूंगा जिसमें जो एक शॉर्ट लिस्ट किए गए होंगे उनके साथ फिर फर्दर मीटिंग करके फिर एक रूपरेखा तैयार करेंगे जो बागवानी की समस्याएं हैं उसको लेकर। का नाम नहीं ले रहा है, छापेमारी भी हुई है स्टोरों पर, तो क्या जमीनों पर इस तरह का गड़बड़ी हो सकती है, क्या राजस्व मंत्री होने के नाते कोई इस तरह की जांच भी करवाएंगे आप? अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, अगर जहां भी अदानी के अलावा भी कहीं भी कोई भी राजस्व के में कोई कमी पाई जाएगी, कोई धांधली होगी तो उसका तो हम करेंगे। थीक है, थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।